और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाककला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाककला में बना है अरवी की सूखी सब्जी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती, बिना मसाले के द्वारा तैयार होती, थोड़ी सामग्री से बन जाती, झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने के स्वाद को बहुत अच्छा कर देती है। आप इसको पराठे या पूड़ी किसी के साथ भी खाना पसंद करेंगे। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिल के बना लेते हैं। हमने 400 ग्राम अरवी ली है। इसको पहले अच्छी तरह से पानी से धुल के हमने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद इस तरह तैयार होगी अरवी। छीलने से पहले आप अपने हाथों में अच्छी तरह से तेल लगा के हाथों को ग्रीस कर लीजिए और इस तरह उसके ऊपरी छिकले को हमको निकालते हुए पूरी अरवी को छील के तैयार कर लेना है। जब पूरी अरवी छिल जाती तो इसको फिर से दोबारा हम दो पानी से धुल के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए, ये अरवी तैयार हो गई है। अब इसको हमने चार हिस्से में कर देना है। आप अगर गोल काटना चाहते हो तो गोल काट लीजिए। वैसे इसको हमने पूरी अरवी को लंबाई में काटा है। इस तरह हमने अरवी को इक्वल साइज में काट के तैयार कर लेना है। ऐसे ही हमने सारी अरवी काट लेना है। इस तरह अगर आप सब्जी बनाइए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अरवी अगर इक्वल साइज की हो तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे ही देखिए, हमने सारी अरवी को काट के तैयार कर लिया। इसके लिए हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। आधा टेबल स्पून राई है, आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम जीरा है तथा आधा टेबल स्पून अजवाइन है। इन मसालों को लेके फिर उसके बाद हम सब्जी बनाते हैं। अरवी हमने काट के तैयार कर ली। मसाले ले लिए 8 से 10। हमने कढ़ी पत्ता लिया, 2 टेबल स्पून। ये चावल का आटा है, इसको हम बाद में उपयोग करते हैं। आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक है, आधा टेबल स्पून हल्दी है तथा थोड़े से खड़े मसाले। गैस पे हमने रख दिए कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून हमने तेल डाल देना है। सबसे बड़ी बात, ये सब्जी बनाने में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगता, थोड़े से तेल के द्वारा ही सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तेल देखिए गर्म हो गया है। अब इसके अंदर जो हमने साबुत मसाले लिए थे, अजवाइन, राई और जीरा, इन तीनों मसालों को डाल देते हैं। 1 मिनट क्या भुनने तक इसको हमने चला लेना, लगभग 30 सेकंड के। उसके बाद हमने 8 से 10 कढ़ी पत्ते डाल दिए। कढ़ी पत्ता डालने पर हमने आधा टेबल स्पून हल्दी डाल दी, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है कढ़ी पत्ते के द्वारा। और अब इसके अंदर हमने अरवी को डाल देना। अरवी को 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे जो ये मसाले पड़े हैं इसके अंदर, साबुत और कढ़ी पत्ता, इसमें इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। और ऐसे भून देना है। अब इसको हम ढक के करीब 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। और ढक दिया था हमने, ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर हमने नमक डाल देना है। एक बार इसको हम चला लेते हैं और उसके बाद अब इसके अंदर हमने नमक डाल देना है। इसको 2 मिनट के लिए हमने चला लेना है। फ्लेम को हमने लो रखना, हाई और मीडियम नहीं करना है। और चलाने के बाद इसको ढक के हम पका लेते हैं। करीब 4 से 5 मिनट तक इसको हमने पका लेना है। बीच में सब्जी को हमने 1 से 2 बार चला दिया था और सब्जी पूरी तरह से पक के तैयार होगी। अब इसमें आई बारी फ्लेवर देने की। और चावल के आटे तथा रेड चिली पाउडर से इसका बहुत ही बेहतरीन स्वाद बन के तैयार होता है। हमने केवल 1/4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आधा से 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून चावल का आटा डाल दिया। और अगर आपके पास चावल का आटा उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें बेसन मिला सकते हैं। और इस तरह अब इसको हमने भून के तैयार करना है। अब आई बारी इसकी भूनने की। और इसको मीडियम और हाई फ्लेम पे चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको भून लेना है, जब तक ये थोड़ा क्रिस्पी ना हो जाए। और ये देखिए, सब्जी बन के पूरी तरह से परफेक्ट तैयार होगी। आपको खाने के लिए सब्जी पूरी तरह से बन के तैयार होगी। इसको हम प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। अगर आप थोड़ा सा खट्टा पसंद करते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला या नींबू का रस मिला लीजिए। आप अपने घर, परिवार, बच्चों तथा अपनों के लिए प्यार से कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप अपने घर में हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए, फ्रेश बनाइए, फ्रेश चीज़ खाइए। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों, तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा। अपने दोस्तों, मित्रों तथा अपनों के साथ इसको शेयर करिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इस तरह बनाया तो कैसा बना। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। श्वेता पाककला, बाय दोस्तों एंड टेक केयर।